जी हम मौजूद हैं इस वक्त कॉफ़ी वगैरह पे और बड़े मज़ेदार इनके ये एयर फ्राई और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, आप काम भी कर सकते हैं बैठकर और साथ साथ हर चीज़ के मज़े भी ले सकते हैं। बारिश का नाम नहीं ले रही और हाल बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बस ना पूछ। फिर अब जाके मैकेनिक के पास पता चलेगा कि फ्यूल पंप के अंदर फ्यूल पंप चेंज कर दिया है या करना है या क्या होना है। देख सकते हैं आप लोग इस वक्त के मनाजिर, फुल तेज बारिश हो रही है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है कराची का और अल्लाह की रहमत बरस रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये थैंक यू टू हुकूमत सिंध, जगह जगह पानी भरा हुआ है इस वक्त हम लोग गुलशन में। बारिश होने के बाद ये बाइक के ऊपर, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल पंप देखने जा रहे हैं अभी तक मैकेनिक के पास, और ऐसी हालत हुई हुई है सड़क की के बस ना पूछें, पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ तक आ रहा है और ट्रैफिक का निकलने में बहुत मुश्किल मसाइल हो रहा है। लोग समझ में नहीं आ रहा लोग किस तरीके से जाएं, और सामने वाली रोड पे भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम है और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। थोड़ी सी बारिश होने के बाद ये चीज़ हो जाती है, जबकि अभी देखिए आप आसमान बिल्कुल क्लियर है, देख सकते हैं। इसके बाद दोबारा से अल्लाह की रहमत बरसेगी और रहमत जो है यहाँ पर रहमत बनी चली जा रही है। इंतज़ामिया सो रही है, किसी को कुछ नहीं याद ना कुछ पता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस भी फंस रही है, ठीक है, इतना ट्रैफिक है इसके अंदर। हाँ इसके अंदर जो है वो ट्रैफिक में फंस रहे हैं लोग, और अल्लाह भला करे आपका बस यहाँ से किसी तरीके से अभी निकलेंगे। बाइक के ऊपर ऐसा मसला है कि बाइक पे चलाना बहुत मसला है इस तरीके की ट्रैफिक में। आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर ये ट्रैक्टर भी खड़ा करके चले गए, और नहीं बल्कि सॉरी गए नहीं है, काम जारी है, ठीक है, तामीराती काम चल रहा है, जो कि दिन में ऐसे वक्त में चलता है कि जिस वक्त पूरा ट्रैफिक मौजूद होता है, और इस वक्त जबकि सारा ट्रैफिक जैम हो रहा है तब ये सारा काम चल रहा है। तो अभी आपको और अपडेट देता हूँ, मैं मैकेनिक के पास पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद गाड़ी की अपडेट देता हूँ कि हुआ क्या है अभी तक गाड़ी के साथ, कुछ हो भी गया, सही हो भी गई है या नहीं। और अगर आवाज़ थोड़ी सी बुरी आ रही हो तो प्लीज़ इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। थैंक यू। A few moments later, फरारी खड़ी हुई है और अभी तक इसका फ्यूल पंप डला नहीं है। मैकेनिक ने बताया है कि जी इसका फ्यूल टैंक साफ होगा और नया फ्यूल पंप लगेगा, जो कि एक बड़ा बेहतरीन सा खर्चा आ गया, उसके बाद इसके पैकवर्क के अंदर ये बेहतर हो जाएगी क्योंकि गाड़ी बहुत अंडर पावर फील हो रही थी। तो अभी भी 2 घंटे लगेंगे ये जब पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ चलाने के बाद के कैसी चलती है और क्या होता है। A few moments later, जाने लगे हैं पैसे लेने के लिए घर से, ताकि 2 घंटे के अंदर अंदर ये भी तैयार हो जाएगी गाड़ी और हम पैसे वैसे लेके आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे चला के क्या होता है। ये लैपटॉप भी साथ है और बाइक के ऊपर घूम घूम के बारिश के अंदर हालत बुरी हो गई है इस वक्त, इसको भी घर पे रखेंगे, फिर होती है आपसे भी थोड़ी देर में मुलाकात।